कुशीनगर में पठेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद तीन युवकों पर चाकूबाजी मामले में पुलिस का सिरदर्द बना। जैनुद्दीन उर्फ गोगा की पुलिस के साथ हुई इनकाउंटर में जैनुद्दीन उर्फ गोगा के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं इनकाउंटर में फाजिल नगर चौकी इंचार्ज के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है। जिले में गुरुवार को रात करीब 9:30 बजे के आसपास पठेरवा थाना क्षेत्र के सोनबरसा नोनिया पट्टी के पास सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और स्क्वाड टीम की फाजिल नगर सिनेमाघर में हुए चाकूबाजी के अभियुक्त और पुलिस को बार बार वीडियो के जरिए चुनौती देने वाले जैनुद्दीन उर्फ गोगा और उसके साथी के साथ इनकाउंटर हो गई। मुठभेड़ में अभियुक्त जैनुद्दीन उर्फ गोगा के पैर में गोली लग गई। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। पुलिस और अपराधियों के इस एनकाउंटर में फाजिल नगर चौकी इंचार्ज आलोक यादव के भी घायल होने की सूचना है, पर अभी तक पुलिस विभाग ने आधिकारिक घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं दी। हालांकि मौके पर एडिशनल एसपी पहुंच मामले की जानकारी ले रहे हैं। कुशीनगर से संवाददाता यशवंत बारी की रिपोर्ट। उसने जो है कल आत्मसमर्पण कर दिया था और एक अभियुक्त राजा खरवार जो है यहाँ मौके से फरार है, एक अन्य अज्ञात अभियुक्त है।